हे गाइस दिस इज रमन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो आप लोगों ने टाइटल में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा एंड दैट इज हाउ टू डू फेशियल एट होम यूजिंग वेरी सिंपल स्टेप्स। एंड टुडे आई एम गोना यूज अ किट, बट इफ यू वांट टू नो हाउ टू डू फेशियल एट होम यूजिंग जस्ट होममेड प्रोडक्ट्स, लेट मी नो, आई विल डू दैट वन फॉर यू एज वेल। बट आज मैं बनाने जो वाली हूँ वो है दैट इज यूजिंग अ किट, एंड द किट्स दैट आई विल बी शोइंग यू इन दिस वीडियो वुड बी दिस वन। ये मैंने रिसेंटली लिया है एंड द किट इज नोन एज द न्यूट्री ग्लो वाइन facial kit, and this is specially for blemish free fairer complexion. Now basically it's not going to whiten your complexion, but it's more like it's going to bring some glow and brighten your complexion. And this is available at Bulbul TV, और ये एक नई website है recently, like I got to know about it recently, and it's a very new and a good website because आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। So, ये कहता है कि it's 100% natural, but yeah, I don't believe कि anything is 100% natural, but yeah, still let's just go with it. मैंने कभी भी फेशियल किट्स यूज नहीं करे थे इससे पहले, एंड आफ्टर यूजिंग दिस आई एब्सोल्युटली लव द इफेक्ट्स। यू विल सी इन द वीडियो, लाइक ट्यूटोरियल में आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली यू गेट 5 कंटेनर्स लाइक दीज, जो कि स्टेप बाय स्टेप है और इसमें सारे स्टेप्स की आपको डिटेल्स भी मिलती हैं। लाइक एंड देयर इज दिस 6th स्टफ दैट इज फॉर द 6th स्टेप, एंड दैट इज अ सीरम जो कि आपको छोटी सी एक बॉटल में मिलता है। बट द थिंग इज, अब ये है इतने बड़े बॉटल्स और ये इसमें है अबाउट 50 ग्राम, लाइक 50 ग्राम एक में मिलता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप इसके लिए 1400-1500 पे कर रहे हैं तो यू कैन लिटरली यूज इट लाइक फॉर 10 to 15 टाइम्स आपके चेहरे पर। तो अगर इसको अब हम कैलकुलेट करें तो so you are just paying 100 to 150 per facial, and trust me guys, आप घर पे कर रहे हैं, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपको रिलैक्सेशन आपके घर में कंफर्ट मिलता है। येस आई अग्री कि आप जब बाहर कराते हैं तो somebody else do it on your face, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्टर है, पर उसके लिए वो कितना चार्ज करते हैं, लाइक एटलीस्ट 1000। अगर आप अच्छी जगह से करेंगे, अच्छा किट यूज करवाते हैं तो दे चार्ज यू 1000, 1400, 1500 ऐसे ही। तो इट्स बेटर इफ यू डू इट दिस वे, बट हाँ इट डिपेंड्स कि आप कौन सा फेशियल किट लेते हैं। और इसमें बाय द वे ये भी लिखा है कि ये क्या बोलते हैं, कौन कौन से पैक है और सब में क्या क्या है और कौन कौन से स्टेप्स किस किस तरीके से यूज करने हैं। मैं यही स्टेप्स फॉलो करती हूँ, दैट्स व्हाट आई एम गोना शो यू एज वेल। बट या आई लव्ड इट एंड आई वांटेड टू ट्राई इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई कर रही हूँ तो मैं आपको भी दिखा दूंगी कि ऑन स्पॉट जो फर्स्ट टाइम रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है। इसके साथ टोनर भी है, एंड इस टोनर की जो प्राइस है शायद डिफरेंट थी, राइट? और ये बेसिकली मैं कब यूज करती हूँ वो आपको मैं ट्यूटोरियल में दिखा दूंगी। बट द थिंग इज, न्यूट्री ग्लो विजिबल डिफरेंस रेड वाइन टोनर है, इसमें ग्रेप एक्सट्रैक्ट्स है, विटामिन ए है, C and E है, और ये स्किन सारे टाइप्स पे सूटेबल है। नाउ अब हम बहुत ज्यादा बकबक ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको सारी लिंक्स नीचे मिल जाएगी। अब मैं आपसे आउटरो में मिलती हूँ गाइज। बिफोर दैट, हाँ छोड़, तो आपको सारी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेक श्योर दैट यू गो देयर एंड गेट फॉर योर सेल्फ। और आप मेरा कूपन कोड जो यहाँ पे ऑल द टाइम यहाँ अवेलेबल था वो यूज कर सकते हैं टू गेट एक्स्ट्रा % ऑफ या एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन बुलबुल। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें बिफोर वी जंप इनटू द ट्यूटोरियल, एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेते हैं, दैट इज TheVogueDoll। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने अपना फेस बिल्कुल प्लेन रख रखा है, कुछ नहीं लगा रखा। सो आई एम गोना यूज द फर्स्ट स्टेप दैट इज द डीप क्लेंजर, एंड इसमें जेल जो है बिल्कुल पिंक कलर की है एंड प्रॉपर जेल फॉर्मेट में है, बिकॉज क्लेंजर है, यू जस्ट हैव टू क्लीन इट। अब यहाँ मैंने अपना फेस ऑलरेडी वेट कर लिया है। अब यहाँ पे आप डीप क्लेंजर, जो ये क्लेंजर है, आपको लाइटली सर्कुलर मोशन से मसाज करना है। मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए कर रही हूँ। तो एंड बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है गाइज कि आप जब क्लेंजर यूज़ करते हैं तो आपको हमेशा 2 से 3 मिनट तक उसको रब करना ही चाहिए, जेंटली मसाज करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस लगाया और धो दिया और हो गया, उससे क्लेंजिंग नहीं होएगी। तो आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप 2 से 3 मिनट तक उसे मसाज करें, एंड तभी उसका एक्चुअल प्रॉपर रिजल्ट आएगा। इससे ज़्यादा वियर्ड फेस मैंने कभी नहीं बनाया होगा अपने नोज़ को जेंटली मसाज करने के लिए। एंड या आप ये हो जाए तो आपको सिंपली अपना टॉवल, यहाँ मैं अपना टॉवल यूज़ कर रही हूँ टू वाइप इट ऑफ, बट आप इसको वॉश आउट भी कर सकते हैं आफ्टर 2 to 3 मिनट्स। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। या एंड ऑल्सो गाइज, मेरे पिम्पल्स को प्लीज़ अवॉइड करना। पिम्पल्स फेशियल का पार्ट नहीं है, पिंपल्स का कुछ नहीं कर सकते, वो है। मैं बस प्रोसीजर दिखा रही हूँ आपको। अब आपने देखा कि मेरा वो हो चुका है, एंड अब मैं सेकंड स्टेप पे आ चुकी हूँ, दैट इज़ दी स्क्रबिंग। ना एक्सफोलिएटिंग स्क्रब है, और ये भी अगेन पिंक जेल में है। द थिंग इज़, इसमें थोड़े से पार्टिकल्स है स्क्रबिंग करने के लिए, तो इसलिए इसका जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी भरे हुए हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा फील आ रहा था। प्रॉपर डेड स्किन निकल रही हो ऐसा फील आ रहा था। अब अगेन आपको पूरा इसको स्क्रब करना है अपने पूरे फेस पे एंड स्पेशली नोज़ के एरिया में जहाँ पे ब्लैक हेड्स होते हैं एंड ऑल्सो जहाँ पे बड़े बड़े पोर्स होते हैं वहाँ पे, दैट इज़ नियर योर टी जोन। यहाँ पे आपको 5 से 8 मिनट तक इसको स्क्रब करना है। मैंने अबाउट शायद 5 मिनट ही करा है, बट आप 5 से 8 मिनट तक कर सकते हैं। यहाँ पे इसको बेसिकली हम स्क्रब इसलिए करते हैं जिससे हमारी डेड स्किन निकल जाए। क्लेंजिंग सिर्फ डर्ट हटाता है, स्क्रबिंग हमारी डेड स्किन भी रिमूव कर देता है और अंदर से ब्राइटनेस लाने में हेल्प करता है। तो इट रिमूव्स द अनहेल्दी सेल्स। तो आपको इसको भी सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए करना है। डोंट रब इट टू हार्ड। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा टाइटली रब कर रही हूँ, बट दैट्स नॉट ट्रू। एक बार ये हो जाए तो आपको यू जस्ट हैव टू वॉश योर फेस एंड देन मूव ऑन टू द थर्ड स्टेप, दैट इज द नरिशिंग जेल। अब यहाँ पे नरिशिंग जेल प्रॉपर एलोवेरा जेल का जैसा नहीं आता जो टेक्सचर, बिल्कुल वैसा ही है। एंड व्हेन यू अप्लाई इट यू विल फील कि काफ़ी ज़्यादा नरिशमेंट मिल रहा है, काफ़ी मॉइस्चर मिल रहा है। अगेन ऑल यू हैव टू डू इज़ अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप मसाज जरूर करें। फेशियल का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दैट इज़ द मसाज। सारी चीज़ें अलग हैं, एक साइड और मसाज, प्रॉपर मसाज एक तरफ। तो यहाँ पे मैं 8 से 10 मिनट के लिए इसको मसाज करूँगी एंड अगेन सर्कुलर मोशन में ही, एंड देन आपको इसको बस सिंपली नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। पर यहाँ मैं तब तक मसाज कर रही हूँ जब तक प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो गया, मुझे ऐसी ना फीलिंग नहीं आ रही ना, तब तक मैं इसको मसाज कर रही हूँ। एंड देन थोड़ा सा मैं ये स्किन टाइटनिंग का स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। एक बार वॉश कर लें तो आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं, दैट इज़ द वाइटनिंग क्रीम, जो कि एक लिटरली वाइट कलर का ही था। तो या वाइटनिंग क्रीम आपको पूरे फेस पे लगा देना और ये एक्चुअली हेल्प आउट करेगा आपके ग्लो को अंदर से बाहर लाने में। एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट ऑन, हाँ ये कि आपको वेट फेस पे लगाना है। द रीज़न वाई इज़ बिकॉज आपको वेट फेस पे मसाज करने में ईजी रहेगा, क्योंकि अगर आपका फेस वेट नहीं होगा तो क्रीम को स्प्रेड करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आप ज़्यादा देर इसको मसाज नहीं कर पाएंगे, दैट्स द ओनली पॉइंट। तो इसलिए हमें चेहरा थोड़ा सा वेट करके इसको रब करना है। एंड आप यहाँ पे स्पीड में देख पा रहे होंगे कि कैसे क्रीम धीरे धीरे सही पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब ये मैंने 12 से 15 मिनट करने का है, मैंने लिटरली 15 मिनट तक इसको रब करा तब जाके वो एब्जॉर्ब हुआ है। एंड या जब आपको फील हो जाए कि 10 मिनट में भी अगर आप पूरा एब्जॉर्ब हो जाता हो तो भी आप थोड़ा आराम से मसाज करें, थोड़ा आराम लें, थोड़ा रिलैक्सेशन फील लें इस क्रीम के एप्लीकेशन में। एंड या एक बार लग जाए तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, आपको इसे वॉश करने की नीड नहीं। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज़ द मास्क। आप इसमें जो मास्क है अगेन कुछ वाइट कलर का ही है एंड इसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स थे जो मेरे को थोड़ा बहुत लगा, नॉट अ लॉट बट हाँ मोर लाइक जैसे हमारे क्ले मास्क होते हैं वैसा सा मास्क है। इसको हमें सिंपली इसमें एक मॉडरेट लेयर लगानी है आपको। मेरी अब इस मास्क में बस एक चीज़ है, वो ये कि बहुत थिन लग रही थी, जैसे यूजुअली क्ले मास्क होती है बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको थिक लेयर बना के लगाएं, ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल सी जो लेयर लग रही है वो लगा दीजिए, बस हर एक एरिया को कवर कर लीजिए, दैट्स इट। अब पूरा लगने के बाद इसको सेमी ड्राई होने दीजिए एंड उसके बाद आप वॉश कर लें स्क्रब करते हुए। देन आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी ग्लो ऑलरेडी आ चुका है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो कि मेरा पर्सनल स्टेप है, दैट इज़ अप्लाइंग टोनर, जिसमें मैंने यहाँ पे न्यूट्री ग्लो का ही वाइन टोनर लिया है और उसको कॉटन पैड में लगा के फुल फेस पे थरली क्लीन कर लिया है टोनर से, जिससे एनी रेसिड्यू कुछ भी होगा वो निकल जाएगा एंड योर स्किन विल बी टोन्ड, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो आपको ये जरूर करना चाहिए। देन लेट इट ड्राई फॉर लाइक अबाउट 1 मिनट। 1 मिनट में जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा देन मूविंग ऑन टू द लास्ट स्टेप, दैट इज द टच सीरम। तो इसमें आपको 2 से 3 बूंद निकालने हैं, बट आप देख सकते हैं कि मेरा स्ट्रगल 2 से 3 बूंद निकालने का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये बॉटल इतनी टाइट थी कि वो दबी नहीं रही थी मुझसे कि वही उसमें से 2 या 3 निकल जाए। तो मैंने सिर्फ 2 बूंद निकाल के अपने चेहरे पर लगा के दिखाया आपको। और यहाँ पे सिंपली आपको बस इसको अपने चेहरे पे टैप करके लगा देना है एंड दैट वुड बी इट। आप इसको छोड़ सकते हैं ऐसे ही एंड यू विल सी द ग्लो राइट अवे गाइज। मैंने और मेरी सिस्टर ने दोनों ने साथ में बैठ के ये किया था एंड वी जस्ट एब्सोल्युटली लव द रिजल्ट। ऑल्दो मेरे पिंपल्स पे आप प्लीज़ ध्यान ना दें, पिंपल्स ऑलरेडी थे, प्लीज़ इग्नोर दैट एंड या दैट्स इट। एक और मेरे पास किट है जो मैं आज तो यूज़ नहीं करूँगी बट आई एम गोना यूज़ इट ऑन माई मदर एंड आई एम गोना अपडेट द डिस्क्रिप्शन, मतलब कमेंट्स बॉक्स में मैं अपडेट कर दूंगी कि ये मेरे मॉम पे कैसा है और कितने विजिबल इफेक्ट्स है और क्या है। दिस इज द वन, दैट इज द नेक्स्ट वन, दैट इज द न्यूट्री ग्लो सोना चांदी फेशियल किट। दिस इज फॉर द एडवांस सेलुलर एज बैलेंस एंड स्किन सेल रिपेयर किट। इसमें भी आपको 6 स्टेप्स मिलते हैं। इसके साथ मेरे साथ बस एक प्रॉब्लम हुई थी, वो ये था कि इसका बॉक्स थोड़ा सा मुझे डैमेज आया है। प्रोडक्ट्स इसमें अनयूज्ड है बट स्टिल बॉक्सिंग थोड़ी गड़बड़ थी, बट ठीक है doesn't really matter as long as products are unused because डिब्बा तो है नहीं, हाँ फेक नहीं है। इसमें भी आपको 5 स्टेप मिलते हैं जिसमें पहला स्टेप है हमारा डिप क्लेंजर, देन सेकेंड इज एक्सप्लोडिंग एक्सफोलिएटिंग स्क्रब, द थर्ड वन इज नरिशिंग जेल, द फोर्थ वन इज द वाइटनिंग क्रीम। अगैन दिस इज फॉर वाइटनिंग क्रीम, इसमें भी इसलिए लिखा है आई एम गेसिंग बिकॉज इट्स ऑल्सो गोना गिव अ ग्लो टू योर फेस। देन इसमें है आपके पास सोना चांदी फोमिंग मास्क पैक, and then you get a serum again in this one as well. This is a radiance serum that it instantly visibly glowing skin milti hai, isse aapko brightens the skin complexion, it soothes and evens the skin tone. Agar aapki pigmentation hai to that also goes or fades away at least a little, pigmentation se kafi time tak reh jati hai wo bhi hat jati hai. It improves the skin texture as well. Agar aapke gadde hain, aapka skin texture firm nahi hai, flat nahi hai, then it's also going to help you because it's going to get rid of the dead cells. So iske piche bhi aapko sare steps milte hain, isme hindi aapko nahi de rakhi hai by the way. Agar आपको प्रॉब्लम आती है तो इंग्लिश में जरूर एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, वही स्टेप्स हैं जो हमें इस वाले में मैंने आपने दिखाए हैं रेड वाइन में, वही स्टेप्स हैं मोस्ट प्रोबब्ली इसमें भी बिकॉज प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। इसमें आपको सारी, हाँ एक और चीज़ इसमें यह है कि हर एक प्रोडक्ट का आपको इंग्रेडिएंट्स इसमें प्रोवाइडेड है, तो अगर आपको किसी भी केमिकल से एलर्जी प्रॉब्लम है तो आप उस प्रोडक्ट को यूज ना करें। सो ये एक प्रोडक्ट और है दैट इज द न्यूट्री स्पा पीएच करेक्टिव टोनर, ऑल्दो ये मैंने यूज नहीं करा, मैंने अपनी सिस्टर को दिया था, मेरे पास ये 2 आए थे, ये 2 मिलते हैं। इसमें क्या है, इट्स इसमें पैराबेन्स नहीं है, इट्स बिकॉज इट्स 98% इंग्रेडिएंट्स इसमें जो है वो नेचुरल है, तो नेचुरली डिराइव्ड है, तो इसमें ये वाले प्रोडक्ट्स ये केमिकल्स नहीं होंगे, दैट इज पैराबेन्स नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, ट्राइथेनोलेमाइंस नहीं है, हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, पैराफिन्स नहीं है, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं है। तो इसमें आपको इस तरीके से 2 आए थे, एक मेरी सिस्टर को दिया मैंने जिससे कि वो देख के सके कि वो यूज करके, क्योंकि यूजुअली टोनर डजंट सूट मी, यूजुअली द टोनर्स दैट आई यूज दैट रियली डजंट सूट मी, सम कैसे न कैसे मेरे ब्रेकआउट्स आ ही जाते हैं बट स्टिल, तो मैंने उसको दिया, उसकी कोई ब्रेकआउट्स प्रॉब्लम नहीं थी, बट शी सेड कि ये थोड़ा सा ग्रीसी है इफ यू स्प्रे इट ऑन, बिकॉज इसमें यही बोला है कि स्प्रे इट ऑन करना है शेक करके, तो अगर आप शेक करके स्प्रे करते हैं तो इट्स गोना बी ऑयली, तो अगर आपको ऑयली लगता है तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज टू जस्ट स्प्रे इट ऑन अ कॉटन पैड एंड देन वाइप योर फेस, तो उससे जो जितना चाहिए ना ऑयल या ग्रीस इसका वो आ जाएगा फेस पे और बचा हुआ नहीं, एक्सेस नहीं लगेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फेशियल एट होम गाइज, आई होप आपको पसंद आया हो, अगर आया हो तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को हिट कर दें लाइक और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं और एक जगह भी करेंगे ना तो मेरे लिए बहुत ही अप्रिशिएटेड होगा ये चीज। एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं करा हो, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल बटन दबाते हैं जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है। बाय द वे दिस टॉप दैट यू आर सीइंग इज फ्रॉम अशीनो हॉल जो कि मैं कुछ दिनों में पोस्ट करने वाली हूँ, दैट इज अ वेरी क्रिएटिव, और थोड़ा क्रिएटिव तो नहीं क्या बोलूँ बट मोर लाइक अ यूनिक स्टफ दैट इज गोना बी अप ऑन माय चैनल सुपर सून। स्टिल आपको मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी इफ यू वांट इट राइट अवे, जिससे आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले आपको मिल जाए। एंड ऑल्सो गाइस अगर आपको नेचुरल मेड प्रोडक्ट्स या घर की बनी हुई प्रोडक्ट्स से अगर फेशियल का जानना हो, हाउ टू डू इट एट होम, वो भी मैं करती हूँ, तो इफ यू वांट टू नो लेट मी नो, आई विल डू दैट फॉर यू एज वेल, बिकॉज मैं बहुत सारे जॉनरे लाना चाहती हूँ इस चैनल पे, बिकॉज मैंने इस चैनल को स्पेसिफिकेशन स्पेशली हॉल के लिए नहीं रख रखा है, आई वॉन्ट टू put everything in it जिससे आपको full on package मिले। So yeah, let me know if you want that and yeah, that is it. I think I covered everything and yeah, I'll see you in my next video guys. Bye.